हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ साइंस की बुक का चैप्टर फोर्टीन नेचुरल रिसोर्सेज के जो बैक एक्सरसाइज हैं उसके सॉल्यूशन तो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द एटमॉस्फेयर असेंशियल फॉर लाइफ तो जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ के लिए क्यों जरूरी है तो इसका आंसर है एटमोसफेयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वेरियस मेन गैसेज लाइक ओ टू एन टू सी ओ टू तो एटमॉसफेयर में बड़ी सारी गैसेज होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड विच आर द बेसिस ऑफ लिविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जो ये गैसेज होती हैं ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये इंसानों के लिए प्लांट्स के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू अर्थ एटमोसफियर जो फोटोसेंथेसिस हो रही है प्लांट्स में वो अर्थ के एटमॉसफेयर की वजह से हो रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ये तीन चीज़ें मेन है ना इम्पॉर्टेंट है द constant टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ द कॉज ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर तो जो अर्थ का टेम्परेचर है ना एकदम कॉन्स्टेंट है मतलब ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है जो इंसान के हैबिटेबल इंसान के रहने के लिए ठीक ठाक से एटमोसफेयर है वो इसी वजह से है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर की वजह से प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन बर्निंग एंड कंबशन आर ड्यू टू एटमॉस्फेयर तो जो हम सांस ले पा रहे हैं कोई चीज़ जल पा रही है है ना ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही हैं एटमॉस्फेयर की वजह से एटमॉस्फेयर इज़ द मेन रीजन टू रेस्ट्रिक्ट यू वी रेज इन टू द अर्थ तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुँच पाती हैं वो भी किसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है अर्थ है अर्थ के ऊपर ना एक मतलब ब्लैंकेट टाइप की है बहुत सारी गैसेस की ठीक है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं वाई इज़ वाटर असेंशियल फॉर लाइफ पानी क्यों जरूरी है तो देखो आंसर है ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रेस्परेशन डाइजेशन अदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर सपोर्टेड बाई वॉटर कहते हैं ना कि सत्तर परसेंट तो हम लोग पानी ही हैं पानी से ही बना है हमारा शरीर तो बिना पानी के ना ही हम लोग सांस ले सकते हैं हमारा खाना भी नहीं पचेगा और हमारी बॉडी के जो बाकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो होते हैं वो भी पानी की हेल्प से ही होते हैं लिविंग बींग्स आर कंपोस्ट ऑफ मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर तो कोई भी सब्सटेंस है हमारी बॉडी में फ्लूड्स एक बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल पानी की वजह से ही करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन द सॉइल तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यानी कि ह्यूमंस है वो मिट्टी पे कैसे डिपेंडेंट हैं ऑर्गेनिजम रिसोर्स तो क्या जो पानी में रहते हैं जानवर वो बिल्कुल सॉइल पे कोई डिपेंड ही नहीं करते हैं वो लोग तो देखो इसका आंसर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम ऑन अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सॉइल फॉर लिविंग तो जितने भी ऑर्गेनिजम है ना अर्थ पे वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली मिट्टी पर ही डिपेंड करते हैं जीने के लिए प्लांट्स ऑप्टेन वाटर एंड

कुछ पेड़ पौधे हैं वो भी तो मिट्टी में ही है ना पानी में भी तो मिट्टी होती है उसमें पे पेड़ पौधे उगते हैं और बाकी पेड़ पौधों पर पे बहुत सारे ऑर्गैनिज्म डिपेंड करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा मेन एंड चीफ एलिमेंट ऑफ फूड चेन तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं पेड़ पौधे होते हैं अब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कुछ जानवर जो हैं छोटी मछलियाँ है, पेड़ पौधे खाती हैं बड़ी मछलियाँ है, उन्हें खाती हैं है ना इस तरीके से चीजें चल रही हैं वेरियस फाउंड इन सॉइल हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर विच हेल्प इन रिटर्निंग द न्यूट्रियस एंड एलिमेंट्स बैक टू द वाटर बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो मिट्टी में ही पनपते हैं और जो चीज जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनके उनसे न्यूट्रिएंट्स निकाल करके फिर से पानी में मिला देते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी अगर मिट्टी नहीं होगी तो भाई चाहे मरीन ऑर्गेनिज्म पानी में रहने वाले जानवर हों बट वो भी सॉइल पर मिट्टी पर डिपेंड करते हैं और पोशंस हो नदियाँ हो कुछ भी हो मिट्टी सब में मौजूद होती है नेक्स्ट है यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन एंड न्यूज पेपर हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू द वेदर आप लोगों ने रिपोर्ट देखियो वेदर रिपोर्ट आपको क्या लगता है कि हम लोग वेदर किस तरीके से प्रडिक्ट कर पाते हैं तो आंसर है देखो वेदर इज सिचुएटेड सॉरी वेदर इज स्टडीड एज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स लाइक हाई एंड लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर होता है ह्यूमिडिटी रेन फॉल वेंट स्पीट और एंड मोर यूजिंग फिगर्स एंड फैक्ट्स विद रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट हैंस ऑन द डाटा कलेक्टेड हैंस ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट वी हैंस फ्रॉम एफ आर ओ एम फ्रॉम डाटा कलेक्टेड बाई मेट्रोलॉजिस्ट वी आर एबल टू फोकाश द वेटर तो बहुत सारा ना बहुत सारी मशीनें होती हैं जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं जो ये ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई एटमोसफियर कैसा है यानी कि टेम्परेचर कैसा है रेनफॉल कितनी हो रही है है ना ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हवा की स्पीड रेनफॉल ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी होती है हमारी हवा की नमी हवा में कितनी नमी है टेम्परेचर कैसा है विंड स्पीड कैसी है ये सारी की सारी चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं और फिर इन सब चीज़ों की हेल्प से फोरकास्ट कर देते हैं कि आज प्रेशर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है तो बारिश होने की संभावनाएँ हैं ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नो दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है हवा में वाटर बॉडीज में और मिट्टी में डू यू थिंक दैट आइसोलेटिंग दीज एक्टिविटी टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरियाज वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन तो बहुत सारी मतलब वाटर बॉडीज़ में बहुत सारी जगह पर पॉल्यूशन हो रहा है बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से आपको क्या लगता है जो एक्टिविटीज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उनको कुछ ही भागों में हम लोग अगर सीमित कर दें तो बाकी इलाकों में पॉल्यूशन नहीं फैलेगा क्या आपको लगता है ऐसा हम कर सकते हैं तो देखो इसका आंसर है ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द मेन रीजन फॉर द पोलूशन इन द एयर एयर इज द मीडियम टू स्प्रेड द पोलूटन इनटू वेरियस सोर्स लाइक वाटर एंड सॉइल सॉरी वी कैन से दैट लिमिटिंग एक्टिविटीज सर्टेन प्लेस विल डेफिनेटली हेल्प द एयर पोलूशन टू बी कंट्रोल टू सम एक्सटेंट तो कह सकते हैं कि भाई कुछ एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग लिमिट कर दें कुछ फैक्ट्रियाज हम लोग शहरों से दूर लगाते हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं तो हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं आसपास के इलाके में लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इसके साथ हम लोगों के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फॉरेस्ट, क्वालिटी किस तरीके से हवा की मिट्टी किया, की या पानी की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं तो इसका आंसर है एयर कैसे इफेक्ट करती है देखो फॉरेस्ट हेल्प इन प्योरीफाइंग द एयर बाई एब्जॉर्बिंग ऑल है हवा को प्योरीफाई करने में जंगल जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड करते हैं सिंपल सी बात है ना ऑक्सीजन दे रहे हैं तो एयर को साफ कर रहे हैं फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं ट्रांसपेरेशन हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड तो जो ट्रांसपरेशन होता है ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जैसे कि इवेपोरेशन इवेपोरेशन सरफेस पर होता है पानी का भाप बन के उड़ जाना होता है इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन होता है जो पेड़ पत्तियाँ होती हैं पौधे होते हैं पेड़ वगैरह उनकी पत्तियों में से जब पानी भाप बन के उड़ता है तो उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं और ट्रांसपरेशन का जो ट्रांसपेरेशन होता है ना इससे क्या होता है कि वो पानी भाप बन के उड़ता है उससे बादल बन जाते हैं मिट्टी सॉयल प्लांट्स इन फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल देयर बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन प्लांट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं वो मिट्टी जमा करके रखते हैं और उससे क्या होता है सॉइल इरोजन नहीं होने देते मिट्टी उड़ करके हवा से नहीं जाती है अगर पेड़ होते हैं क्योंकि पेड़ पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं एड न्यूट्रिय टू द सॉइल एज अ लॉट ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट गेट डिकम्पोज तो न्यूट्रिय देते हैं सॉइल को क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो पेड़ अपने पत्तियाँ गिराते हैं वो क्या ह्यूमस का काम करते हैं और ह्यूमस से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को मिलते हैं पेड़ों से वाटर फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर इन द अंडरग्राउंड लेवल तो ट्रांसपेरेशन होता है बहुत सारे पेड़ होते हैं बहुत सारा ट्रांसपेरेशन होता है उससे क्लाउड बनते हैं और क्या होते हैं बारिश होती है तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू